अयोध्या में राम मंदिर मामले पर फैसले को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना था। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही थी और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को कड़ी चेतावनी दे रखी थी। लेकिन बांदा में फैसले के बाद कुछ अराजक तत्वों ने नफरत फैलानी शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, उसकी रिव्यू करते हुए हम लोगों ने अपनी साइबर सेल की टीम और विजिलेंस टीम को एक्टिवेट किया। एक कंट्रोल रूम में बनाया गया है जिस पर इस तरह के जो भी साइट पर आपत्तिजनक चीजें आ रही हैं उनको किया जा रहा है। हम लोगों ने 3 अभियोग पंजीकृत कराया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और सभी को अपने माध्यम से भी बताना चाहूँगा, कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी धर्म संप्रदाय या व्यक्ति के विरुद्ध न करे जो उसके हित में रहो। हम लोग अभी लगातार इस पर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी है। वहीं जामा मस्जिद के मुतवल्ली का कहना है कि सालों से चला आ रहा एक विवाद खत्म हुआ और लोगों में प्रेम और सौहार्द कायम है। थे एक इशू ऐसा था जो हिंदुस्तान के ऊपर पेंडिंग चल रहा था, वो ख़त्म होना चाहिए, सो हो गया। लोगों की ज़िंदगियां फिर से शुरू हुई और यहां तक आपसी सौहार्द की बात है वो तो पहले से ही हम सब लोगों ने, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, लोगों ने तय किया था कि स्थिति कुछ भी हो, फैसला कुछ भी आए, सम्मान करना है और जो संबंध है वो संबंध आपसी संबंध को लेकर ही चलना है, हालात कुछ भी आए। इसके पहले भी है जो चाहे वो बाढ़ रही हो या हाँ, हर चीज़ में हम लोग साथ में रहे, चाहे दैविक आपदा रही हो जैसा कि भाई बता रहे हैं या कोई और हालात रहे हो, कोई और मसले हो, ठीक सब साथ में रहते हैं और सब साथ। अयोध्या के फैसले के मद्देनजर किस तरह से ऊपर आपके आदेश थे कि तमाम व्हाट्सएप हों, फेसबुक हों, तमाम ट्विटर हों जिन पर पुलिस की पैनी नजर होगी, इसके चलते फेसबुक पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने वालों पर 3 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, एक की गिरफ्तारी हुई है। आइए पूरा मामला जानते हैं, हमारे साथ सीसीटीवी मौजूद है कि क्या कुछ मामला किस तरीके का। देखिए हम लोग जो है ये कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इसको देख रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी न करने पाए, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या अन्य कोई इंस्टाग्राम हो या अन्य कोई माध्यम। इसमें अभी तक 3 मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हम लोगों ने कर ली है, उससे पूछताछ की जा रही है और उन सब साइटों को हम लोग जो है बैन करा रहे हैं, बंद करवा दे रहे हैं। और एकाध ऐसे मामले भी आए जिसमें स्वयं उसको हटा लिया है व्यक्ति ने, फिर भी हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। ये हमारे साथ शिव जी जो बता रहे थे किस तरह से पुलिस की पैनी नज़र है, हालांकि कल देवार उसके मद्देनजर भी पुलिस सतर्क है। बांदा में चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, धर्मशाला हो, तमाम जगह पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा रही है जो देश का माहौल खराब कर सकते हैं। बांदा से सफर पंजाब।